नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक्ट्रेस राखी सावंत की। एक्ट्रेस राखी सावंत इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुर्रानी पर आरोप लगाते हुए उन्हें जेल भिजवा दिया है, तब से राखी को काफी ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है। न केवल लाइमलाइट बल्कि राखी सावंत को कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की दो बड़ी वजह है। राखी सावंत अपने फैंस और मीडिया का हमेशा ही आभार व्यक्त करती हुई नजर आई। आज वो जो भी है उसके लिए वो मीडिया अपने फैंस और बॉलीवुड को से ज्यादा क्रेडिट देती है। लेकिन आज राखी का एक स्टेटमेंट अब शायद बॉलीवुड से उनका रिश्ता तोड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि राखी सावंत ने हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड पर दिए गए स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन दिया था। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने कुछ दिन पहले यह स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में काफी ज्यादा इग्नोर किया गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में हॉलीवुड की तरफ रुख करना पड़ा। जिसके बाद जो प्रियंका चोपड़ा है उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, सोशल मीडिया पर उन्हें काफी लताड़ा गया। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कंगना रनौत ने प्रियंका को सपोर्ट किया, वहीं राखी सावंत का भी अब इस पर रिएक्शन आया। राखी का सीधे सीधे कहना था कि प्रियंका उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनकी माँ वो काफ़ी ज़्यादा उनकी माँ के करीब थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रियंका की ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। राखी सावंत का कहना है कि जब काम मिल रहा था तब तो कुछ नहीं कहा, फिर अब आखिरकार ये सब क्यों बोल रही हो, और जब वाकई बॉलीवुड में इग्नोर किया गया तो तब अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, अब ये सब कुछ बोलने का क्या मतलब है। जिसके बाद राखी सावंत को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जब से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है तब से बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बायकॉट किया गया। स्टार किड, नेपोटिज्म, ये मुद्दे जितने ज्यादा बढ़ गए उसकी वजह से बॉलीवुड डूबता हुआ भी दिखाई दिया, और ऐसे में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बायकॉट भी किया गया। जो यहां आपको बता दें कि इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट समेत तमाम वो सेलिब्रिटीज शामिल थे जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में उस वक्त काफी ज्यादा हाइप पर थे, या फिर जिनका नाम सामने आया सुशांत सिंह राजपूत के केस में। और यही वजह है कि अब राखी को इस वजह से ट्रोल किया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि राखी सावंत अब इतनी ज़्यादा पैसों में लीन हो चुकी है, या पैसों की उन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अब वो गलत को गलत नहीं मानना चाहती। हालांकि राखी की अगर बात करें तो राखी अब इस स्टेटमेंट पर इसे कवर अप भी करती हुई नजर आ रही है। राखी ने सीधे सीधे जब उनसे सवाल पूछा गया ट्रोलिंग को लेकर तो वो कहती हुई नजर आई कि करण जौहर के बारे में मुझसे गलत क्यों बुलवाना चाहते हो, क्या मेरी दुश्मनी बढ़वाना चाहते हो। जिसके बाद यहाँ पर अब राखी ये रिएक्शन इस बात की ओर इशारा कर रही है कि राखी भी ये समझते हैं कि इस वक्त बॉलीवुड के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट दिया तो शायद उनके दिन बिगड़ सकते हैं, क्योंकि राखी को एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और कई बड़े प्रोड्यूसर्स और कोरियोग्राफर्स उनके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, और राखी ये समझती है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अगर दिया तो शायद ये लाइमलाइट उनसे छिन जाएगी। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, और बाकी ऐसी खबरों में देखते रहिए नेक्स्ट 9।